Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए, मिक्सिंग में हम एक नया इक्विपमेंट, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी, आज हम एक नया इक्विपमेंट पढ़ने वाले हैं, रिबन ब्लेंडर्स की। इसके पहले हम लोगों ने दो इक्विपमेंट पढ़ लिया है, डबल कोन ब्लेंडर और वी कोन ब्लेंडर को हम लोगों ने, या ट्विन सेल ब्लेंडर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज की क्लास में रिबन ब्लेंडर्स की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस, ये सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर वीडियो एट द एंड अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, आपके फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रिबन ब्लेंडर है, इसको हम रिबन ब्लेंडर क्यों बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए रिबन का क्या मतलब होता है। एक रिबन मतलब आप लोगों ने देखा होगा, रिबन का मतलब होता है, देखो, पतली पट्टी। यहाँ पे रिबन का क्या मतलब होता है, ऐसी पतली सी पट्टी, चपटी सी, ठीक है। अब ये जो पट्टी है, इसको हम यहाँ पे अलग अलग डिजाइन से फोल्ड कर देंगे और इसी पट्टी की मदद से मिक्सिंग होने वाला है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं रिबन। यहाँ पे ब्लेड्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिबन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल मतलब इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज सीयर, याद रखना, रिबन ब्लेंडर में जो मिक्सिंग का मैकेनिज्म होता है वो होता है सीयर मिक्सिंग। सीयर इज ट्रांसफर टू द पाउडर बेड बाई मूविंग ब्लेड्स, यानी कि रिबन शेप्ड, इसके अंदर जो ब्लेड है वो रिबन शेप्ड में है, रिबन के जैसा है, ठीक है। इन अ फिक्स्ड, यानी कि नॉन मूवेबल सेल, सेल मतलब वो केज जिसके अंदर ये रखा हुआ होगा, या वेसल बोल सकते हैं, या यहाँ पे अपन बोलेंगे ट्रॉफ, ठीक है। हाई सीयर रेट आर इफेक्टिव इन ब्रेकिंग लम्ब्स एंड एग्रीगेट्स, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सीयर लगता है, सीयर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो लम्ब्स होते हैं, जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम आटा और पानी मिक्स कर रहे होते हैं तो हल्का हल्का बीच बीच में वो क्या हो जाता है, गुच्छा बन जाता है, उसको बोलेंगे लम्ब्स। या एग्रीगेट्स मतलब कई सारे पार्टिकल्स आपस में चिपक गए तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट्स। तो अगर कोई भी मटेरियल में लम्ब्स हैं या एग्रीगेट्स हैं तो वो इसमें टूट जाएंगे सीयर फोर्स के कारण, तो ये उसके लिए इफेक्टिव भी है मिक्सिंग के दौरान। कन्विक्टिव मिक्सिंग ऑल्सो अकर्स एज द पाउडर बेड इज लिफ्टेड एंड अलाउड टू कैस्केड, मतलब कन्विक्शन का क्या मतलब होता है, एक जगह से मूव करके दूसरे जगह जाना। जैसे आप लोगों ने 11 12th में पहले पढ़ा होगा कि वाटर जो बॉयल होता है तो उसमें जो हीट ट्रांसफर है वो किसके वजह से होता है, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब वहाँ वाटर मॉलिक्यूल नीचे से हीट होकर माइग्रेट करके ऊपर चले जाते हैं और ऊपर की ठंडी वाली जो मॉलिक्यूल होगी नीचे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्विक्शन या कन्विक्टिव मिक्सिंग। यहाँ पे मिक्सिंग में क्या हो रहा है, एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह मूव कराया जा रहा है। तो कन्विक्टिव मिक्सिंग ऑल्सो अकर्स एज अ पाउडर बेड इज लिफ्टेड, इसमें क्या होता है, पाउडर बेड को, यानी कि जो पाउडर फैला हुआ है उसको लिफ्ट करेगा, उठाएगा, एंड अलाउ टू कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, झरना। जैसे आप लोग वाटरफॉल देखते हो तो वाटरफॉल जो ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैस्केड। तो जब यहाँ पे कोई पाउडर होगा, जब पाउडर को तुम ऊपर उठाकर छोड़ोगे तो नीचे की तरफ वो गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कैस्केड होना। तो यहाँ पे ये पाउडर वेट को लिफ्ट करता है, उठाता है और नीचे की तरफ गिरा देता है, तो टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में ये मिक्सिंग हो रही है। एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मिक्सिंग कैन बी अचीव्ड, और एक होमोजेनियस मिक्सिंग का प्रोसेस हमको इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में एक वर्ड में अगर बोले तो क्या होगा, सीयर, सीयर फोर्स यहां पे हो रहा है, और
मटेरियल को पाउडर बेड को लिफ्ट करके ये कैस्केड अलाउ करता है, मतलब कैस्केड करवाता है, नीचे की तरफ गिरा देता है, जिससे कि पाउडर का मूवमेंट हो रहा है, टू डायमेंशन मूवमेंट होता है इसमें बेसिकली, हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो ये डिज़ाइन आपके सामने नज़र आ रहा है, देखो हम इसको कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे डिटेल, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने कंस्ट्रक्शन है ना, तो हम पहले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, इसके बाद हम इसका वर्किंग ही देखेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ट्रफ। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके का है ना, यहाँ पास देखो ये ऐसा सिलेंडर कैसा है, नॉन मूवेबल मतलब ये ही, ये नहीं मूव करेगा, एक ट्रफ मतलब एक नाली जैसा, जैसे हम लोग इस तरीके से बोलेंगे ऐसा यू शेप अगर बना हुआ है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, नाली बोल देंगे है ना। तो ये एक तरीके का गड्ढा या गर्त बोल सकते हैं, ट्रफ को गर्त भी बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये नाली जैसा आपको दिख रहा है, तो ये एक तरीके का बना हुआ है। अब इसके अंदर ही यहाँ पे साफ्ट होगा, जिसमें से रिबन जो होगा ऐसा इसके अंदर फिक्स किया हुआ होगा, और ये रिबन मूव करेगा, उससे मिक्सिंग होगा। तो सिलेंड्रिकल ट्रफ यूजुअली ओपन एट द टॉप, जनरली ये ऊपर से खुला रहता है, यानी इसके ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ये खुला हुआ होगा, ठीक है। इट इज फिटेड विथ टू हेलिकल ब्लेड्स, इसके अंदर देखो दो हेलिकल ब्लेड्स, हेलिकल का क्या मतलब होता है, हेलिक्स मतलब होता है इस तरीके से स्प्रिंग जैसा, जो सर्कुलर टाइप का बनेगा स्प्रिंग के जैसा, उसको क्या बोलेंगे, हेलिक्स। तो इसके अंदर जो रिबन का बना हुआ है वो देखो नीचे में, यहाँ डायग्राम देखिए आपको दिख रहा है, ये हेलिक्स जैसा है, आगे से पीछे की तरफ घूम रहा है स्प्रिंग जैसा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हेलिक्स, हेलिक्स ब्लेड विच आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। यहाँ पे दो, हम लोग दो हेलिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो हेलिक्स ब्लेड है जो कि एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो रॉड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट। ये जो अभी यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, शाफ्ट है। अब इसी शाफ्ट से ये चिपका के रखा हुआ है, देखो अटैच करके रखा हुआ है ये रिबन। और दो क्यों बोल रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग रिबन है, देखो एक जो आउटर है बड़ा वाला साइज का, और दूसरा जो उसके अंदर छोटा छोटा साइज का है ना। तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी ये एक छोटा वाला ये जो दिख रहा है ये इसके सेंटर में है, ठीक है, और दूसरा दूसरा जो हेलिक्स है वो ऐसा ये बाहर वाला, ये यूं, ये जो बाहर वाला है इसको दूसरा बोलेंगे, ठीक है। तो दो हेलिक्स रिबन है। अच्छा ये रिबन जो है बीच बीच में कटा कटा भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है और कटा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। थ्रू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ट्रफ द ब्लेड्स हैव बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब देखो, मतलब इसके अंदर जो ब्लेड है, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे घड़ी ऐसा चलता है, घड़ी हम इसको एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं वहाँ देखते हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऐसा ऐसा रोटेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, राइट हैंडेड है ना, और अगर ऐसा रोटेशन हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड। मतलब मेरे पास एक या तो इस तरीके का स्प्रिंग होगा, यानी कि जो रिबन है इस तरीके से जो ऐसा घूम रहा है, या दूसरा इसका उल्टा जो ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो ये दो दो टाइप का स्प्रिंग होगा इसके अंदर, दो टाइप का स्प्रिंग, स्प्रिंग बेसिकली मतलब स्प्रिंग जो बोल रहा हूं मतलब स्प्रिंग नहीं होगा, हेलिक्स होगा, किसका, रिबन का बना हुआ है ना, रिबन से बना हुआ हेलिक्स होगा, दो दो हेलिक्स होंगे। अच्छा ये दोनों हेलिक्स जो हैं वो ऐसा हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेंट्रल शाफ्ट हो गया, ये जो है
ये सेंट्रल शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस सेंट्रल शाफ्ट के पास पास में इस तरीके से एक जो होगा रिबन रिबन जो होगा वो इसमें इस तरीके से पूरा भी लेंथ तक हो सकता है, ठीक है, ऐसा पूरा लेंथ तक हो सकता है। और दूसरा जो रिबन होगा ये इसका उल्टा होगा, रोटेशन इसका उल्टा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसा, और उसका डायमीटर भी थोड़ा सा बड़ा होगा, और दोनों ही एक ही शाफ्ट में टाइट किया हुआ होगा, ठीक है, दोनों ही एक ही शाफ्ट के अंदर टाइट किया हुआ होगा, फिक्स किया हुआ होगा। तो ये दोनों का रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ठीक है। तो जब ये शाफ्ट जब घूमेगा ना, ये जब शाफ्ट घूमेगा तो इसके साथ ये ब्लेड भी घूमेगा, लेकिन जिसका ट्विस्टिंग राइट हैंडेड होगा वो मटेरियल को जिस डायरेक्शन में भेज रहा होगा उसी समय इसमें जो सेंट्रली होगा उसमें मान लेते हैं लेफ्ट हैंडेड रोटेशन है, तो वो मटेरियल को उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये मैं अगर बोलूं कि ये ब्लू वाला जो है ये मटेरियल को अपने रास्ते में आने वाले मटेरियल को अगर इधर भेज रहा है, ठीक है, तो जो पिंक वाला होगा वो अपने आने वाले रास्ते में जो मटेरियल इसके रास्ते में आएगा ब्लेड के वो उसको इधर भेजेगा। तो क्या हुआ, एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में भेज रहा है। सेम टाइम पे यहाँ पे जो होगा मटेरियल वो इधर जा रहा होगा और जो बीच में होगा वो इधर जा रहा होगा, एक दूसरे के उल्टे तरफ। मतलब मटेरियल एक साथ इधर भी मूव कर रहा है और इधर भी मूव कर रहा है, तो इससे मटेरियल की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये टू डायमेंशनल वर्क करता है, तो ये क्या करता है, मटेरियल को ऊपर उठाता है और छोड़ देता है, तो मटेरियल नीचे भी गिर जाता है। मतलब मटेरियल ऐसा गिरता गिरता एक साइड में मूव भी कर रहा है ना, समझ गए। तो चलिए बात करते हैं। तो ये हो गया आपका, हैव बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट, द ब्लेड आर कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, यानी ये एक ऐसे मशीन से जुड़ा हुआ है जो फिक्स्ड स्पीड में इसको घुमाता रहेगा, स्पीड को हम कम और ज्यादा नहीं कर सकते। रिबन ब्लेड ब्लेंडर्स इज टॉप लोडिंग विथ अ बॉटम डिस्चार्ज पोर्ट, मतलब ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं एक तरीके का ऐसा होता है कि इसके अंदर मटेरियल ऊपर से ऐसा भर दिए, नाली जैसा है खुला हुआ, ऊपर से खुला है, टॉप जनरली खुला रहता है पर ऐसा जरूरी नहीं है, टॉप जनरली खुला होता है पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो टॉप खुला, ऊपर से मटेरियल इसके अंदर भर दिया, जब खाली करना हुआ तो इसके बॉटम में यहाँ पे देखो डिस्चार्ज पोर्ट दिया हुआ है ना, यहाँ से हम इसमें से खाली कर लेंगे, यहाँ ऊपर से डाल दिए और नीचे से खाली कर लिए, तो ये इसके कहने का मतलब यही है। द ट्रफ कैन बी क्लोज विथ अ लीड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इसका जो सेल है जिसके अंदर ये रिबन लगा हुआ है ये सेल खुला ही रहेगा, जनरली खुला रहता है पर इसके ऊपर हम लीड लगा के, इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको हम बंद भी कर सकते हैं, इसके ऊपर ढक्कन भी हो सकता है, समझ गए। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये साइड व्यू है, ये सब जो डायग्राम देख रहे हैं ये साइड व्यू है। ये ब्लेड को जब हम बाहर निकाल देंगे तो कैसा दिखेगा, ये वो है, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, जब रोटेशन हो रहा है तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप इसके अंदर का ये जो डार्क डार्क कलर का रिंग है इसको आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो आगे बढ़ रहा है। देखो इस डायग्राम में ये जो अंदर का रिंग है जिसका ये हिस्सा काला दिख रहा है, ये देखो इसको एक किसी भी रिंग को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो आगे की तरफ इधर बढ़ रहा है ना। उसी तरफ दूसरे रिंग को देखो, ये जो व्हाइट वाला बाहर की तरफ है, किसी एक रिंग को एक किनारे से देखते जाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो रिंग जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है। देखिए नजर आ रहा है, दोनों रिंग को देखो एक दूसरे के अपोजिट टाइप का ट्विस्टिंग है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं इसके वर्किंग की।
तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप इस वर्किंग का डायग्राम को देखिए, है ना। देख रहे हो अभी यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, ऊपर वाला को देखो मिक्सिंग नहीं हुई है, अभी ये मिक्सर चालू हो रहा है, जस्ट इसने अभी चालू किया है मिक्स करने के लिए, है ना। तो आप देखो ये येलो ब्लैक व्हाइट ये अलग अलग तरीके का पार्टिकल इसके अंदर है। जब ये घूमता है तो देखो ये काला वाला धीरे से नीचे से ऊपर उठ रहा है, तो ये क्या कर रहा है ऊपर उठा रहा है, और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ये नीचे गिरेगा, तो इसी को हम क्या बोल रहे थे कैस्केड, कैस्केड मूवमेंट, क्या बोल रहे थे कैस्केड मूवमेंट, है ना। हम इसको एक साइड से देख रहे हैं, अभी इसको दूसरे साइड से देखो। अच्छा इसमें एक चीज और देखोगे कि जो अंदर का रिंग है, जो इसके अंदर के रिंग है वो देखो इधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, और जो ये बाहर वाला रिंग है, बाहर वाला जो ब्लेड ब्लेड है या रिबन ब्लेड जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, है ना, मूवमेंट नजर आ रहा है। तो देखो एक अंदर वाला जो है वो पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट तरफ एक राइट की तरफ, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब ये क्रॉस करते हैं तो मटेरियल को अपने रास्ते में जो मटेरियल आता है उसको इधर उधर क्या करा देते हैं, मूव करा देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ही मिक्सिंग होता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, ओके। जब ये मूव कर रहा था तो तुमने देखा था इधर से पार्टिकल ऐसा ऊपर की तरफ उठ रहे थे, ये ऊपर एक कांच का है, ट्रांसपेरेंट है अभी, ठीक है। और ये हम लोग एक साइड से देख रहे हैं, अगर उसको उस साइड से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये इधर से पीछे से ऐसा मटेरियल आएगा और इधर गिरता भी रहेगा ऐसा। लेकिन साथ ही साथ ये जो आप रिबन देख रहे थे, देखो ये जो बाहर वाला रिबन है, ये वाला जो रिबन है ये इधर मूव कर रहा था, है ना, ये वाला जो रिबन है ये इधर मूव कर रहा था, और ये वाला जो रिबन है, जो अंदर वाला रिबन है, ये जो अंदर वाला रिबन है वो इधर की तरफ मूव कर रहा था, ये अंदर वाला जो रिबन है वो इधर की तरफ, तो ये इसके रास्ते में जो पार्टिकल आएगा उसको इधर धकेल देगा, इसके रास्ते में जो पार्टिकल आएगा उसको इधर धकेल देगा, और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, इसी तरीके से मिक्सिंग होता रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग की बात करते हैं, ट्रफ द फिक्स स्पीड ड्राइव, सॉरी थ्रू द फिक्स स्पीड ड्राइव रिबन्स आर अलाउड टू रोटेट, उसमें जो मोटर लगा था वो जब चलने लगेगा तो रिबन घूमने लगेगा। वन ब्लेड मूव्स द सॉलिड स्लोली इन वन डायरेक्शन, इसमें से एक जो ब्लेड हो रहा होगा वो मटेरियल को एक डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कराएगा, है ना, एंड द अदर मूव्स देम क्विकली इन अपोजिट डायरेक्शन, जबकि जो दूसरा ब्लेड होगा वो उस उल्टा डायरेक्शन में मूव करवाएगा, है ना। डिफरेंट पाउडर्स आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप, अलग अलग तरीके का जो पाउडर है उसको हमने ऊपर से इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ट्रफ या सेल के अंदर। द बॉडी इज कवर्ड बिकॉज कंसिडरेबल डस्ट मे बी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ड्राई ब्लेंडिंग, मतलब इसके जो ऊपर से जो ढक्कन खुला हुआ था उसको हम ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि जब हम पाउडर मिक्सिंग कर रहे होंगे तो वहां पे कुछ डस्ट उड़ता है, कुछ डस्ट उड़ सकता है, तो वो डस्ट ना उड़े इसलिए ढक्कन लगा देंगे। एंड ग्रेनुलेटिंग सॉल्यूशन मे इवेपरेट्स ड्यूरिंग वेट ग्रेनुलेशन, अगर हम वेट ग्रेनुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो ग्रेनुलेशन के लिए जो सॉल्वेंट डालेंगे, जो पानी या लिक्विड उसमें डालेंगे, वो लिक्विड इवेपरेट हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी हम ढक्कन लगा सकते हैं, या इसमें कोई कचरा ना गिरे, कंटामिनेट ना हो, उसके लिए भी ढक्कन लगा सकते हैं। तो ढक्कन लगा भी सकते हैं और खुला भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारी नीड कैसी है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से रिबन ब्लेड बन जो है ये हमने कर दिया। अब देखो क्या होगा, द पाउडर्स आर लिफ्टेड बाई अ सेंट्रली लोकेटेड वर्टिकल स्क्रू एंड अलाउड टू कैस्केड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। देखो कैस्केड का मतलब होता है टम्बलिंग, वही लुढ़कते रहना, मटेरियल को ऊपर उठाना और छोड़ देना नीचे की तरफ गिरने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम यहां पास के रीजन में देख रहे होगे, देखो ये जो व्हाइट व्हाइट सा रीजन पीछे की तरफ दिख रहा है, तो वहां से देखो मटेरियल नीचे झड़ रहा है, लेकिन तुम अगर इस साइड के इस बॉटम वाले रीजन को देखोगे तो ये मटेरियल इधर भेज रहा है या उधर भेज रहा है, मतलब ये टू डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है ना। द
काउंटर एक्टिंग ब्लेड्स, काउंटर एक्टिंग मतलब एक दूसरे के उल्टा काम कर रहा है, द काउंटर एक्टिंग ब्लेड्स सेटअप हाई सियर एंड आर इफेक्टिव इन ब्रेकिंग अप लम्स एंड एग्रीगेट्स, हेलिकल ब्लेड्स मूव्स द पाउडर फ्रॉम वन एंड टू अदर एज शोइंग इन फिगर, जैसा इस फिगर में दिख रहा है वैसे ही वो एक तरफ से दूसरे तरफ पाउडर को भेजेगा, द फाइनल स्टेज ऑफ मिक्सिंग रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब जब ये मिक्सिंग हो जाएगा तो सारा का सारा एक बराबर दिखेगा सब तरफ, है ना। द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ अ गिवन मिक्सचर कैन मार्कली इफेक्ट द स्टेडी स्टेट एंड दस द क्वालिटी ऑफ द मिक्सिंग, द ब्लेंड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम ओपनिंग। तो देखो जरूरी नहीं है कि बॉटम ओपनिंग से ही हो सकता है ये ऐसा इक्विपमेंट हो जिसको हम उल्टा करके भी इसमें से सामान को निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर। तो ये कभी कभी इसके बॉटम में दिया रहता है खाली करने के लिए, और कभी कभी इसको उल्टा करने के लिए भी अटैचमेंट दिया होता है। तो हमको कैसा डिजाइन है उस हिसाब से हम इसको एम्प्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, है ना। वर्किंग समझ में आ गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिबन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर का फायदा और नुकसान क्या है। तो देखो सबसे मेन फायदा है हाई सियर, कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग परफोरेटेड बफल्स विच ब्रीज अबाउट अ रबिंग एंड ब्रेक डाउन एग्रीगेट्स, हेडरूम्स रिक्वायरमेंट इज लेस। मतलब हमको एक तो हाई सियर फोर्स मिलेगा, मिक्सिंग अच्छा हो जाएगा, और क्योंकि ये ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप का डिजाइन का है ना, तो इसको ज़्यादा ऊंचा छत वाला बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए हेड रूम रिक्वायरमेंट कम है इसमें, है ना, समझ गया। ज़्यादा इसके लिए हमको स्पेस और ये सब का थोड़ा वो नहीं होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ पुअर मिक्सर बिकॉज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज टू डायमेंशनल, यहाँ मूवमेंट जो पार्टिकल का है वो दो डायमेंशन में हो रहा है, तीन डायमेंशन में नहीं हो रहा है। इसलिए कंपेरेटिवली जो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट करवाता होगा पार्टिकल्स का, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिक्सिंग होता होगा। हालांकि यहाँ भी मिक्सिंग अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होता, यहाँ भी अच्छा होता है, लेकिन थ्री डायमेंशनल जो मूवमेंट है उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम। सीरिंग एक्शन इज लेस देन द प्लेनेटरी मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर से अगर इसका कंपेरिजन करें तो सीरिंग एक्शन यहाँ पे कम लगता है, ठीक है। डेड स्पॉट्स, डेड स्पॉट्स यानी कि एरिया दैट रिमेन अनमिक्स्ड, मतलब ये पूरा का पूरा जो मिक्सर था इसमें कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पास का पार्टिकल मिक्स नहीं हो पाया, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है ना, इसमें प्रेजेंट होता है, आर ऑब्जर्व इन द मिक्सर थ्रू दे आर मिनिमम, हालांकि वो बहुत कम होता है डेड स्पेस जहां की पाउडर मिक्स नहीं हो पाई, लेकिन होता तो है डेड स्पेस, इसलिए वो इसका डिसएडवांटेज हो गया। एंड इट इज हैविंग फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, मतलब इसमें हम स्पीड कम या ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब ये उसका एक डिसएडवांटेज हुआ, हमको जरूरत पड़ी कि हम तेज कर लें तो नहीं कर सकते। रिबन ब्लेंडर में जनरली स्पीड कंट्रोल नहीं दिया होता, फिक्स्ड स्पीड होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यूजेस क्या हो जाएगा, रिबन ब्लेंडर इज यूज्ड टू मिक्स फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, मतलब बहुत फाइन पाउडर जो होगा उसकी मिक्सिंग के लिए भी अच्छा है ये, वेट सॉलिड मास अगर ये गीला भी अगर है तो उसकी मिक्सिंग के लिए भी अच्छा होगा, जो कि टम्बलिंग में अच्छा नहीं होता था। स्टिकी अगर मटेरियल है तो उसको भी हम इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक सॉलिड होगा उसकी भी मिक्सिंग कर सकते हैं। यूनिफॉर्म साइज एंड डेंसिटी मटेरियल कैन बी इजिली मिक्सड, अगर यूनिफॉर्म साइज का पार्टिकल्स है और डेंसिटी बराबर के है और अलग अलग मटेरियल का है तो उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो सकती है, ईजिली हो जाएगी। इट इज़ यूज फॉर लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, यानी कि इसमें हम लिक्विड और सॉलिड को भी मिक्स करते हैं और सॉलिड सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों तरीके का। तो ये इसके यूजेस हो गए। तो आई होप आप लोगों को रिबन ब्लेंडर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी अब मिल चुकी है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि और कोई और नोट्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं कभी आपको आगे चल के इसके बारे में कोई नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जैसे मुझे समय मिलेगा तो, है ना, कोशिश करूँगा कि आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर फार्मेसी का कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए, मतलब लेक्चर चाहते हैं, वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं
सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में रिबन ब्लेंडर आज हम लोगों ने पढ़ लिया, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सिग्मा ब्लेड मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग के लिए ये यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और लाइक और सब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।